ठीक है है सेल एनीमिया उससे क्वेश्चन बनाया और किस तरीके से ट्विस्ट किया है सीबीएसई ने मोलिकुलर बेसिस की अगर बात करी जाए तो यह क्वेश्चन है देख इस की को, इस की को। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है सिर्फ एनसीआरटी याद करेंगे काम नहीं होने वाला आपका क्लास ट्वेल्थ सैंपल पेपर 2024 बायोलॉजी बायोलॉजिज्म एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं मैं फैज अहमद तो चलिए

सेक्शन ई हैज थ्री क्वेश्चन ऑफ फाइव मार्क्स ईच देर इज नो ओवरऑल चॉइस नहीं दी गई इंटरनल चॉइसेस हैव बीन प्रोवाइडेड इन सम क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर में आपको मिलने वाली द नेसेसरी नीट लेबल डायग्राम शुड बी ड्रॉन बस इस चीज का ध्यान रखिएगा जब भी आप बायोलॉजी के पेपर में डील कर रहे हो ठीक है हिडन डायग्राम्स होंगे बच्चों आपको बनाना होते हैं बताता नहीं है सीबीएसई की यहां पे डायग्राम चाहिए आपको क्वेश्चन में अभी पता लग जाएगा ओके okay? पहला क्वेश्चन आपके लिए आता है रेमिनेंट्स ऑफ न्यूसिलियस आर प्रजिस्टेंस ड्यूरिंग द सीड डेवलपमेंट इन रेमिनेंट्स ऑफ किस किसमें मौजूद रहती है ठीक है प्रजिस्टेंस ऑफ सीड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट तो आपको मालूम है इसका आंसर ब्लैक पेपर द वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम विच नरिशेज द पॉलिन ग्रेन्स आपको पता है ना इट्स अ टेप्टम अ शॉर्ट पीस ऑफ डीएनए हैविंग

अब बचे कितने हैं? आपके पास में दस और माइनस कर दीजिए तो आपके पास में चौदह बचे, तो बचे? तो बचे जब चौदह बचे तो जाहिर सी बात कितने सेवन एंड कितने सेवन ऑप्शन कुछ लोगों ने यह भी बताया है कि इसको जोड़ दीजिए फोर फोर आठ आठ पांच तेरह तेरह और सात बचे इस तरीके से निकालना मुश्किल होगा अगर यहाँ पे उन्होंने गड़बड़ी या थोड़े बहुत ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन को तो यह तरीका सबसे बेस्ट है आपके लिए हमेशा याद रखिए के लिहाज से इन सर्टेन स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट सम हैव एंड द अदर सोचना ही नहीं होता है ठीक है जिसमें कम होंगे सम स्पीशीज किसकी बात करी है इंसेक्टा की बात करिए इंसेक्टा में हमेशा मेल के पास में क्या होते हैं कम होते हैं तो मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली

तरीका कुछ इस तरीके से बैठता है स्टेबल पॉपुलेशन में जीन टू एलिल्स आपका ए डोमिनेंट करता है स्मॉल ए आपका रिसेसिव होता है तो फ्रीक्वेंसी स्मॉल ए इज पी होती है एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए इज क्यू होती है एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ थ्री पॉसिबल जीनोटाइप कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए कैन बी एक्सप्रस्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशन हार्डी व्रेनबर्ग है ना तो p2 2pq q2 1 अब इसमें ये वैल्यू आपको पुट अप कर देनी है p स्क्वायर फ्रीक्वेंसी ऑफ a होमोजाइगस के लिए q स्क्वायर फ्रीक्वेंसी ऑफ a होमोजाइगस के लिए लेकिन 2pq फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटरोजाइगस के लिए आपसे यही पूछी गई है और p आपको दिया गया 0.8 और 0.2 तो आप जाहिर सी बात है यहाँ पे 2pq क्या हो जाएगा आपका 0. जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 16 16 2 32 32 क्लियर है

वट इज द smallest पार्ट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल दैट कैन बी चेंज बाय द पॉइंट म्यूटेशन जिसमें पॉइंट म्यूटेशन होता है और वो चेंज हो जाता है तो ध्यान ही नहीं देना इधर उधर न्यूक्लियोटाइड ही चेंज होती है आपकी ओके वट वुड बी शुड बी दट genotype in इन द इंडिकेटेड मैनर क्या जीनोटाइप होगा

ठीक है इस तरीके से अगर देखा जाएगा तो जाहिर सी बात है ये जिनो टाइप पूछा है तो जाहिर सी बात है ये ऑप्शन बना जा करके ये क्योंकि स्मॉल ए स्मॉल ए ही आएगा इसमें गॉट डेट ये पेशेंट वॉज एडवाइस टू हैव अ किडनी ट्रांसप्लांट टू सप्रेस द इम्यून रिएक्शन द डॉक्टर वुड एडमिनिस्टर्ड हिम डॉक्टर क्या देगा इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट दिए जाते हैं हमें पता है किससे निकलते हैं साइक्लोस्पोरिन ए प्रोड्यूस बाय द ट्राइकोडर्मा पॉलिसम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे ठीक है तरीका ही चेंज कर दिया कॉम्पिटेंसी में इन्होंने इंडो न्यूक्लियस एक्जो न्यूक्लियस ठीक है आइडेंटिफाई द एक्टिविटी ऑफ इंडो एंड एक्सो न्यूलिस इन गिवन इमेज ठीक है फाइव प्राइम टू तो थ्री प्राइम थ्री प्राइम टू तो फाइव प्राइम ये गड़बड़ हो तो गया देखिए यहीं पर से थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम तो फाइव प्राइम टू तो अब फिर वी वो यहाँ से कट कर रहा है बीच से कट करना होता है तो यहाँ पर यह भी गलत हो गया ठीक है सबसे बेस्ट ये भी शुरू से कट कर दिया ये बीच से कट कर दिया गलत हो गया लेकिन ये वाला ऑप्शन देखिए कि यहां से शुरू हुए और इसने बीच से कट के किया हमेशा बीच स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट को अपने पहचानते हैं एंड देन कट और ये जो, जो होते हैं वो हमेशा शुरुआत से ही कट करते हैं प्राइम एंड से ही कट करेंगे वो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन इन द पेस्ट रेजिस्टेंट जीएम क्रॉप क्या होगा सबसे ज्यादा पेस्ट रेजिस्टेंस आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए सारे ही दिए गए हैं इनकरेज द इको फ्रेंडली पेस्टिसाइड नॉट पॉसिबल रिड्यूस पेस्टिसाइड एक्यूमुलेशन इन द फूड चेन यही होगा क्योंकि हमें पेस्टिसाइड की एक्यूमुलेशन को रोकना होता है पेस्टिसाइड एक्यूमुलेशन इन अ फूड चेन इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन व्हेन द टॉक्सिसिटी लेवल इंक्रीजेस फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल

चीज सबसे पहले डिकम्पोज हो जाएगी कौन सी सैंपल होगा सॉइल का जो डिकम्पोज फास्टर होगा तो जाहिर सी बात ये सी ऑप्शन में देखिए बाकियों के मुकाबले जो है ठीक है इसमें भी ज़्यादा जा रहा है इसमें भी बहुत ज़्यादा जा रहा है लेकिन इसमें सबसे सबसे कम जा रहा है तो इसमें आपका काइटिन और आपका जो लिग्निन कंटेंट है वो बहुत ही लेस जा रहा है तो ये सॉइल सी ऑप्शन आपका सही है क्वेश्चन देख लीजिए बोथ एंड कॉमन रहते हैं सब में बस यहां से थोड़ा सा न्यूक्लियस इज डिप्लॉइड यहीं पर से ये गलत हो गया डिप्लॉयड नहीं होती है वो ट्रिप्लॉयड होती है थ्री एन होती है ठीक है इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन ये बात सही है ठीक है तो इसका ऑप्शन डी पीछे से मैच करिएगा राइबोजोमल्यूक्लियस ऑफ द सेल राइबोजो आर एन एज सिंथिसाइज इन द न्यूक्स ऑफ द सेल एंड इट इज ट्रांसलेटेड विद द एंजाइम आर एन ए पॉलिमरेज थर्ड अब पीछे देख लीजिए सी ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स पहला वाला जो इसका है ये वाला ये तो ठीक है आर इज फॉल्स आर एन ए पॉलीमिरे थर्ड इसको नहीं करता है तो सी ऑप्शन आपका बैठता जा करके है असर्शन के स्मोकिंग कैन कॉज द ब्लड प्रेशर रेज एंड द इंक्रीज द हार्ट रेट बात सही है निकोटिन स्टूमलेट द एट्रीनल ग्लैंड एंड रिलीज द दिन एंड नॉर एड्रीन को रिलीज करता है ताकि हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाए बात सही है दोनों सही है पीसीआर इज अ पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई द जेनेटिक ऑर्डर डिसऑर्डर सही है डिटेक्ट द म्यूटेशन एंड लो अमाउंट ऑफ डी एन म्यूटेशन और जेनेटिक कोरिलेट होते हैं तो इसका ए बनेगा करके सेक्शन बी हैज स्टार्टेड द एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस पूरी बात बताना मुश्किल होगा लेकिन आप लोग समझ लीजिए सारा चीज अवेलेबल है स्पर्मेटोजेनेसिस कहा से स्टार्ट होती है प्युबर्टी से स्टार्ट हो जाएगी एंड द रिलीज ऑफ द जीएनआरएच

जेनेसिस में जो मदद करते हैं याद रखिएगा जो इस में मदद करते हैं दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन द द डायग्राम बिलो शो द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड एंड ऑफ ह्यूमोग्लोबिन मॉलिक्यूल वेलिन दिया गया हेस्टोडिन एंड सो ऑन बहुत सारे दिए गए हैं यहां पे देख लीजिए ठीक है सबकी सीक्वेंस बता दी मैसेंजर आ रहे हीमोग्लोबिन की चेन ये रही ठीक है ग्लूटोमिक एसिड यहां पे दिया वेलिन यहां पे दिया गया है अब क्वेश्चन बनता है कि इफ द बेस टी वाज सब्स्टिट्यूटेड विद द ए हाउ डू इट अफेक्ट द हीमोग्लोबिन चेन पीछे देख लीजिए जरा टी को उन्होंने सब्स्टिट्यूट किया जा करके है किसके साथ कर रहे हैं ए के साथ में जब यहां पे ए के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा सी ए टी जाहिर सी बात ये किसके लिए कोड करता है वेलिन के लिए कोड करने लग जाएगा द सी टी टी वुड बिकम द कैट

ठीक है चीज बतानी थी इसमें ऑन एडमिनिस्ट्रेशन द फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन एल इन द बॉडी शोन लो इंटेंसिटी का होता है इम्यून सिस्टम कम इन इनकाउंटेड विद द एंटीजेनिक प्रोटीन एंड वीकेंड एनएक्टिवेटेड पैथोजन फर्स्ट टाइम दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जो बताया मैंने ऑन सब्सिक्वेंट एनकाउंटर द सेम एंटीजेनिक प्रोटीन सेकेंड डोज में जब हमें दिया जाएगा एलसिड द हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी रिस्पॉन्स द इमेज शो द रिजल्ट ऑफ द प्लेसिंग बैक्टीरिया इन द क्रोमोजेनिक मीडियम ये चीज याद रखिएगा क्रोमोजेनिक मीडियम आफ्टर द इनकॉर्पोरेटिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट इन अ जब भी क्रोमोजेनिक मीडियम की बात करी गई है हो सकता है इससे क्वेश्चन आपका आ जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन देखिए कितनी अजीब तरीके से इसको पूछा है इन्होंने बैक्टीरिया दिया गया है प्लाज्मिट दिया गया है और उन्होंने इसके रिजल्ट दे दिया है जीन ऑफ इंटरेस्ट ये दिया गया है आपका जब भी जीन ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है प्लाज्मिट में बैक्टीरिया फ्रॉम प्लेट वन इसमें तो देखिए जीन ऑफ इंटरेस्ट आकर के इनबिल्ड हो गया है बैक्टीरिया फ्रॉम प्लेट टू इनमें आकर के जीन ऑफ इंटरेस्ट इनबिल्ड नहीं हुआ है और बैक्टीरिया फ्रॉम द प्लेट थर्ड इसमें तो प्लाज्मिड ही गायब है इसको तो ठीक है खेल से ही हटा दीजिए ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन आइडेंटिफाई द प्लेट विच आर व्हाइट गिव द रीजन एंड आइडेंटिफाई द प्लेट विच आर ब्लू गिव द रीजन बहुत ही टफ वन क्वेश्चन बनाया है लेकिन जिनको पता होगा एनसीईआरटी पढ़ी होगी ठीक है और जिन्होंने समझी होगी बस वही इस क्वेश्चन से डील कर पाएंगे आइडेंटिफाई द प्लेट नंबर वन प्लेट बी बी एंजाइम फॉर द ब्लू कलर ठीक है एंड जीन ऑफ इंटरेस्ट जब ये ब्लू कलर शो करता है जब जीन ऑफ इंटरेस्ट इसकी जगह पे चला जाएगा तो जाहिर सी बात ब्लू कलर शो नहीं होगा ड्यू टू द दिन एक्टिवेशन ये है हमारा क्या चीज ये है हमारा कीवर्ड जिसको बोला जाता है सो नो ब्लू कलर इज मेड ध्यान दीजिएगा जब जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लाज्मिट में इंसर्ट हो जाएगा तो ब्लू कलर नहीं आएगा ओके okay, जब इंसर्ट नहीं होगा तो ब्लू कलर आएगा बिकॉज बीटा गलेक्टोडे जो होता है वो हमारे गलेक्टोज को तोड़ करके अदर अदर मीडियम में कन्वर्ट करता है शुगर के ठीक है तो वहां पे आइडेंटिफाई द प्लेट वीच आर ब्लू अब यहां पे देखिए जीन ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट इंसर्टेड इन द प्लाजमिट तो प्लेट टू हो गई और इसमें तो कोई प्लाज्मिट है ही नहीं है ना में इसकी काफी खासियत दी गई है गेलेक, बीटा पूरा चार किलो दिया गया है फिर पच्चीस किलो, किलो दिया गया है और फिर सैंतीस किलो भी दे दिया गया है मीटर स्क्वायर ठीक है ड्रॉ इकोलॉजिकल प्रामिट इंडिकेटिंग द बायोमास बायोमास का दिया गया है ठीक है बायोमास का याद रखिए हमेशा इनवर्टेड होता है ठीक है द दूसरा वाला क्वेश्चन और भी लगा हुआ है उसको बाद में हम लोग देखेंगे पहले इसका देख तो ये चीज आपको बनानी है सैंतीस तो इनवर्टेड प्रामिड ऑफ बायोमास बनेगा आपका याद रखिएगा ठीक है इन्वर्टेड प्रामिड ऑफ बायोमास दूसरा क्वेश्चन प्रोवाइडेड इन द टेबल इन फॉलोइंग क्वेश्चंस दीजिए इसके जवाब टॉप कॉर्निवर्स के पास नेट प्रोडक्टिविटी कितनी है पचास ठीक है किलो जूल एंड रेस्पिरेटरी रेस्पिरेशन 35 का है 420 है 378 का है एंड सो ऑन कैलकुलेट द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी उन्होंने पूछ दी है ठीक है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनालाइज द ट्रेंड इन द नेट प्रोडक्शन एंड फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू टॉप कार्निवल क्या चीज ट्रेंड चल रही है इसमें गिव योर ऑब्जर्वेशंस देखिए कैसे क्वेश्चन बना देते हैं लोग कहते हैं कि नंबर बायो में ठीक है नहीं आ पाते तो आप लोग जब तक की वर्ड पर नहीं रहेंगे वो को याद और समझेंगे नहीं तब तक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत मुश्किल है इज द इंडिकेशन ट्रेलर है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी फिर उसको जोड़ दिया गया तो इतनी निकल करके आ जाएगी के जी पर मीटर मीटर स्क्वायर पर ठीक है इतना निकलता है नेट ग्रेजुअली प्रोडक्टिविटी रिड्यूसिंग ऊपर एज वी मूव फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर जब जा रहे हैं आप तो जाहिर सी बात है नेट प्रोडक्शन जो है वो ग्रेजुअली कम होता चला जा रहा है और उसमें हीट की वजह से रेस्पिरेशन की वजह से ऐसा होता है सेक्शन सी है हमारे पास में ठीक है द फिगर आपको दिया गया है थ्री ए बी सी विच ऑफ द थ्री स्पर्म विल गेन द द एंट्री इन ओवम डिस्क्राइब द एसोसिएटेड चेंजेस इन ड्यूज इन दी एंड क्यू सबसे ज्यादा ठीक है समझने की बात होगी आपको बेटा कि तीन नंबर से जब डील करोगे तो आपको सब कुछ बताना पड़ेगा कॉट माई पॉइंट ठीक है लगभग लगभग जब भी तीन नंबर के जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपको लगभग लगभग डेढ़ डेढ़ तो नहीं एक पेज मान लीजिए आपको उसमें डिस्क्रिप्शन देना ही होगा बच्चों ठीक है और लॉन्ग आंसर में जब जाएंगे तो उसकी तो उसकी बात ही अलग है वो आपको हर एक पॉइंट बताना है जो एनसीआर में मेंशन था ये गलती मत करिएगा आधा अधूरा ज्ञान मत देकर के आइएगा सीबीएसई बोर्ड को कॉपी मैंने चेक की है मुझे पता है ठीक है क्योंकि आप उल्टा सीधा लिख दोगे नंबर आपको नहीं मिलेंगे ए दिया गया है बी है स्पर्म और सी तो जाहिर सी बात एंट्री भाई साहब को मिल जाएगी ए भाई साहब को मिल जाएगी बी को नहीं मिलेगी सी को नहीं मिलेगी पी दी गई आपकी ठीक है, जोना पेलोसिडा लेयर ठीक है प्रीवेट लाइन स्पेस अंदर दिया गया है पूरा क्यू सॉरी जोना पलिसा के बीच का जो स्पेस है आगे आइए क्वेश्चन देखिए स्पर्म ए को आपकी एंट्री मिल जाएगी इन द फिगर अब पूरी बात बतानी पड़ेगी स्पर्म हैज कम इन कॉन्टेक्ट पी लियर से and the ovum Q से, चेंज इन एंड ब्लॉक द एंट्री ऑफ द अदर स्पर्म ये बात आपको बतानी पड़ेगी दिक्रिएशन ऑफ एक्रोजोम की पूरी एक्रोजोम ऑफ स्पर्म साइटोप्लाज्म इन थ्रू द जोन ऑफ एल्यूसिडा P एंड द division ऑफ मायोटिक secondary ऑफ द सेकेंडरी बचा हुआ था वो रुक जाएगा रुका हुआ था जो कि पूरा होगा ठीक है division, Q is being क्या, क्या क्या लिखना था इसमें पूरा फर्टिलाइजेशन पूछा उन्होंने स्पर्म की पूरी बात बतानी थी क्यों तक आने तक यह था वो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेन द फेजेज इन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फ्रॉम मेरोला स्टेज से लेकर के एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रेगनेंसी इन द ह्यूमन फीमेल तो शुरुआत हो जाएगी आपकी एट ब्लास्टोमेयर से शुरू होगी आप लोग और पूरी बात बताते चले जाएंगे मोरूला कंटिन्यू डिवाइड ट्रांसफॉर्म ब्लास्टोसिस्ट में ये हुआ ब्लास्टोसिस अरेंज द आउटर लेयर इनर सेल मास का जिक्र होना चाहिए ट्रोफोब्लास्ट देन गेट्स अटैच टू द एंडोमेट्रियम अब एंडोमेट्रियम से अटैचमेंट दिखाना पड़ेगा इनर सेल मास गेट डिफरेंशिएटेड इनटू द एम्ब्रियो अटैचमेंट यूट्राइन सेल्स डिवाइड रैपिडली कवर द ब्लास्टोसिस्ट रिजल्ट प्लास्टोसिट बम इमेडेड इन दफ दूटर तक आपको बात बतानी लीड्स टू द प्रेगनेंसी इसकी जगह पर आप डायग्राम भी बना सकते हैं इसमें जो दिया गया है अपना एनसीआरटी में यह वाला डायग्राम आप बना सकते हैं ठीक है लेकिन लिखना ज्यादा आसान रहेगा डायग्राम में तो टाइम लग जाएगा आपके लिए अब प्रेगनेंट वुमेन प्रेग्नेंट

एम्ब्रो है कौन सा सिंड्रोम होगा भाई टर्नर सिंड्रोम जब आप लिखेंगे तो आपको जीरो पॉइंट फाइव मार्क्स अलॉट कर दिए जाएंगे ड्यू टू दूपी द सेक्स क्रोमोजोम सच अ डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू दबसेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोजोम एम टी पी

नंबर ऑफ इंडिविजुअल यहां पे देखिए ग्राफ A, ग्राफ B, ग्राफ ए बी एंड सी इसका बेस्ट जो एक्सप्लेनेशन मेथड है वो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा सीबीएसई की वेबसाइट से एक बुक और भी दी गई है वहां पे ठीक लीजिएगा सप्लीमेंट्री मटेरियल करके है उसको जरूर डाउनलोड करिएगा उसमें कुछ चीजें दी गई एन में जो नहीं वो उसमें है ओके

ए स्टेबलाइजिंग है बी डायरेक्शनल है एक साइड जा रही है और सी जो है और ये पहले बड़ी और फिर घटी फिर, घटी, फिर घटना बढ़ना इसमें लगा है तो डिसरप्टिव ठीक है पॉपुलेशन इज नॉट स्टेबलाइज देम हो सकता है इसमें रिसोर्स डेवलपमेंट पूरा ना हो रहा हो ठीक है उनका शिकार हो रहा बहुत सारे रीजन है उसमें सेक्शन सी का ट्वेंटी सिक्स नंबर क्वेश्चन है अपना ये द एरेशन टैंक ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली एक्सप्लेन द डिटेल इंपैक्ट ऑन दिस एरेशन टैंक काम नहीं कर रहा है तो जाहिर सी से बात सेकेंडरी ट्रीटमेंट यानी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट उसमें नहीं हो पाएगा पूरी बात आपको बतानी पड़ेगी दिस वॉल नॉट अलाउ द वाइग्रस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स फ्लॉक्स का मास ऑफ बैक्टीरिया देख लीजिए क्या क्या लिखना होता है फिर ये देखिए सब कुछ बताना पड़ जाएगा बच्चों मैं यही कह रहा हूं एक पेज से नीचे आंसर नहीं जाएगा है ना

ठीक है अटैक बाय द ओनली फील्ड ए में एंड द कंट्रोल इट स्पोर्ट्स ऑफ द बीटी वर स्प्रेड ऑन द फील्ड ए नेम द जीन दैट स्पोर्ट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ दिस पेस्ट क्वेश्चन की गहराई देखा करिए कि कहां कहां से क्वेश्चन बनाते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन बना लेते हैं इस जीन का नाम बताइए आपको इसमें सारे जीन्स मौजूद हैं व्हाट विल द इफेक्ट स्पोर्ट्स बीटी हैव ऑन द इंसेक्ट अब पूरी बात पूछ ली उन्होंने बीटी कॉटन का जो पूरा मोड ऑफ एक्शन है वो पूछ लिया है इज द फील्ड बी डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट दिस पेस्ट अब देखिए ठीक है।, है किस तरीके से इसमें ये पूरी चीज आई होगी इसका और वाला क्वेश्चन देखिए ये बात की बात है ये देखिए द फंक्शनल एंजाइम लाइपेज इज इन अवेन एक मिनट यस yes. ये वाला क्वेश्चन जो देख लीजिए आप लोग इसमें ठीक है ये कैसे आएगा हाउ इट बिल्ड द इफेक्ट क्राई ए बी ठीक है क्राई ए सी क्राई ए बी फर्स्ट क्राई ए सी सेकंड वो सारे वहां पे मौजूद हैं ठीक है थीके? कौन सा कॉर्न बोरर के लिए रहेगा क्राइ ए बी ठीक है एंड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द स्पोर्स ऑफ बी टी है पूरी तरीके से जाकर के अंदर गट के जाता है उसको अल्कलाइन पीएच की जरूरत पड़ती है एंड इट अटैक द गट को अटैक करेगा और उसमें छेद कर देगा वेरेबली जो कॉर्न बोरर होगा या कोई भी इंसेक्ट होगा वो खत्म हो जाएगा

ठीक है तो पहला होता है कि जिसको भी प्रॉब्लम हो जाएगी तो उसको एंजाइम जो है पेशेंट को लगातार दिया जाएगा इंजेक्शन के जरिए जैसे कि इंसुलिन दिया जाता है दिस प्रोसीजर जो ड्रॉबैक है वो कंप्लीटली क्यूरेटिव नहीं है द डिसीज कैन बी ट्रीटेड यूजिंग द जीन थेरेपी ठीक है इसके जरिए आप हो सकता है जीन थेरेपी के जरिए लेकिन कब होगा कलेक्शन ऑफ मैथड ऑफ अलाउ द करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट पूरी बात बतानी पड़ेगी जीरो मार्क्स मिलेंगे इसमें ही जीन इंसर्टेड किए जाते हैं पर्सन के सेल में या पेशेंट की सेल में टिश्यू ट्रीट द डिसीज करेक्शन जेनेटिक डिफेक्ट इन वोल्व द डिलीवरी ऑफ नॉर्मल जीन इन टू द एम्ब्रियोनिक स्टेज के ऊपर ये काम हो सकता है अदरवाइज काम नहीं हो सकता गिव द थ्री रीजन एज द आर नॉट गिवेन द एनी फिगर फॉर दियर डायवर्सिटी बाय द इकोलॉजिस्ट ये बात पैराग्राफ में लिखी है उन्होंने कि क्यों नहीं दिया गया है उनको कोई भी स्पेस या कोई भी जगह किसमें को को ना तो उनको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इकोलॉजिकल तो प्रामिड बनते हैं तो उसमें इनकी कोई भी जगह नहीं होती बेचारों के पास इकोलॉजी बिकॉज द फॉलोइंग रीजन क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन बहुत ज्यादा होता है क्योंकि एक जगह पे बहुत ज्यादा तादाद में ही होते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं For many it is difficult to culture बहुत सारे खतरनाक होते हैं। उनको culture नहीं किया जा सकता lab condition में। और मॉलिकुलर टेक्निक्स इट इज एस्टिमेटेड माइक्रोव डाइवर्सिटी कैन रेंज बिलियन माइक्रोव इनहेबिटिंग ऑन द अर्थ अलग अलग जगह पे बिलियंस की तादाद में है तो मुश्किल है ठीक है एक निप के ऊपर वन बिलियन होते हैं हमें पता है क्वेश्चन नंबर दिया गया है है केस बेस्ड सी आया है, देखो पीयू सिमिलर इट्स फंक्शन डिफर कुछ जगह पे है रिस्ट्रिक्शन साइट एंड नंबर ऑफ ओर आई नंबर ऑफ फर आई पीबीआर बीस है हाउ आर पीयूसी स्टडीज में इसको यूज किया जाता है दूसरा और करके जो क्वेश्चन दिया गया वॉट विल बी द इम्पैक्ट इफ ओराई इन दबो स्ट्रक्चर गेट डैमेज अगर, अगर खत्म हो गया तो रेप्लीकेट नहीं कर पाएगा यहां से यहां तक अप्लाइंग योर नॉलेज ऑफ पेलेंड्रोमिक सीक्वेंस क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन का नजरिया देखिए पूछने का पेलेंड्रोमिक सीक्वेंस आइडेंटीफाइ द मार्क

ये ये देखो लिखा है जी ए ए सी टी टी एन दैट ये चीज आपको सही तरीके से लिखनी होगी नो द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नीड टू बी द सेम एक जैसा होना चाहिए अलग अलग यूज करोगे आप तो फिर तो काम हो गया आपका अलग अलग जगह से रिस्ट्रिक्शन साइड बना देगा जो ओवर हैंगिंग होते हैं डीएनए के वो से जाकर के नहीं चिपकेंगे स्टिक नहीं करेंगे पी यू सी एटीन इज द हायर कॉपी रेट होता है ये चीज याद रखिएगा आप लोग एक और

अच्छी तरीके से क्रो नहीं कर पा रहे हैं साथ में पीक ऑडेटम ये दिया गया और मिक्स कल्चर में देखिए यहां पर खत्म हो गया विच स्पीशीज कंपेरेटिवली सुपीरियर है सपोर्ट योर आइडिया एंड डेटा प्रोवाइडेड इन द ग्राफ स्टेट द लाइंग प्रिंसिपल ऑफ द रिजल्ट नेम द साइंटिस्ट एसोसिएटेड विद दिस प्रिंसिपल ठीक है एक्सप्लेन द मेकेजम इन टू और मोर कंप्यूटिंग इन ईच वन कैन को एक्सिस्ट ना बात समझ गए कहां से पूछा गया इकोलॉजी ने उन्होंने पढ़ी होगी उनको पता चल रहा होगा आप लोग को पता चल भी जाएगा आगे आ जाइए पी ऑरेलिया स्पीशीज कंपिटेटिवली सुपीरियर है पी ऑरेलिया ग्रोज नंबर मोर लाइकली देन देख लीजिए पीछे का ग्राफ एक बार फिर पी सबसे ज्यादा ग्रो कर रही है ना मिक्स्ड में भी और उसमें भी कॉडेटम नहीं ग्रो कर पा रहा तो वो ज्यादा सुपीरियर है ठीक है कंपिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बात करी गई विच स्टेट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंप्यूटिंग फॉर द सेम रिसोर्स कैन नॉट को एक्सिस्ट जी एफ गॉज ने यह बात बताई थी

सेक्शन ई प्लेस बिलो देयर आर दे क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा अच्छा लगा है मुझे प्लेस बिलो आर 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 केसेस स्टडी इन द कपल्स कपल्स वी नॉट नॉट हैव किड्स एंड दिस रेडी टू फॉर द टेकिंग गैमीट्स फ्रॉम द डोनर्स वो नहीं लेना चाहते कहीं और से किसी और का बच्चा नहीं लेना चाहते हैं वो किसी और का डोनर नहीं लेना चाहते तो आप कौन सी टेक्निक उनको बताओगे

नॉर्मल रिपोर्ट फीमेल की है पोअर सीमेन है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है थोड़ा सा चेंजेस आया है आप इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन देंगे आईसीएसआई विच स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाएगा है ना दूसरा है लो ओवेरियन रिजर्व है आईवीएफ ही यूज होगा यहाँ पे बी ब्लास्टोसिट फ्रॉम ओवरी एंड एंडगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर किया जाएगा इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ जाइोट भी कर सकते हैं आप जिफ्ट भी यूज कर सकते हैं आईयूटी भी यूज कर सकते हैं

दो में जगह पे आपको देख रहा है कि एबनॉर्मल स्पर्म होंगे तब आपको आईसीएसआई यूज करनी है गिवन बिलो द सर्टेन सिचुएशन एनालाइज द सिचुएशन ऑफ सजेस्ट नेम द सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस ये हमेशा इस तरीके से क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं तो सोचना ही नहीं कि ऐसा कोई नेम द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस एंड मोड ऑफ एक्शन बताइए ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स तो जाहिर सी बात है कौन सा होगा सर्विकल कैप्स होंगे डायफ्राम होगा मोड ऑफ एक्शन होता है कि उसको पहुंचने नहीं देता है को स्पेसिंग बिटवीन द चिल्ड्रेन होगा तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई आपको यूज करना पड़ेगा आपको यूज करना पड़ जाएंगे एंड सो ऑन बहुत सारे इफेक्टिव इमरजेंसी टर्मिनल मेथड आईडी इन मेल अब देख लीजिए इसका पहले वाले का ब्लॉकिंग एंट्री करनी है तो डायफ्राम यूज करिए सर्विक से पहुंचने नहीं देता है स्पेसिंग अगर चाहिए बच्चों में थोड़ा स्पेस चाहिए है तो कॉपर आइन या कॉपर टी यूज की जाएंगी कॉपर आइन सप्रेस पूरी बात बतानी पड़ेगी देखिए यहाँ पे

जहां जहां पे था आपका टी वहां वहां पे क्या होता चला गया आपका सारा यू दिखाई दे रहा है आपको वन मार्क्स मिल गया बैक्टीरिया के अंदर अब याद रखिएगा जैसा टर्म बैक्टीरिया में यूज नहीं होता है एज सच आपका बनता हुआ चला आएगा लेकिन एक चीज और नोट करनी है आप यूमे की बात कर ले तो हम लोग हैं यू कैरियस हमको ठीक है मेथिल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट एमजीपीपी लगाना पड़ेगा एयूजी से पहले एंड पॉली ए टेल आपको लगानी पड़ेगी एडिलेशन करना पड़ेगा इंट्रॉन्स को आपको हटाना पड़ेगा जहां जहां पे जी यू ए है और कहां पे कहां पे कहां पे ये है जी यू ए इसको आपको स्प्लाइस करके हटाना पड़ेगा तो आपके पास कुछ नाइन अमीनो एसिड्स बचेंगे पॉलीपेप्टाइड यू यू ए को हटा दीजिए क्योंकि वो क्या है आपका स्टॉप कोडान है ये भी ध्यान दीजिएगा अपने हिसाब से आप लोग देखिए क्वेश्चन की खूबसूरती और का कॉम्पिटेंसी लेवल इसमें दिया गया है कि इन शॉर्डन कैटल द कोट कलर्स रेड एंड व्हाइट आर कंट्रोल बाय द सिंगल पेयर ऑफ एलील रिसीव द एलील फॉर रेड कोट एंड फ्रॉम इट्स मदर एंड द एलील फॉर द वाइट कोट फ्रॉम इट्स फादर से उसने लिया है जिसको रोन बोला है उन्होंने इट है एक्साम्पल ऑफ को डोमिन या इनकम्प्लीट डोमिनस का है बात गिव योर आंसर विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक क्रॉस ये बताना है कि रेड इज डोमिनेंट है और रेड इज इनकम्प्लीटली है तो जाहिर सी बात है यहां पर आपको बताना है परा मोनोहाइब्रिड का एक्सपेरिमेंट आपको पूरा बताना पड़ेगा और ये आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपको पिंक वाला जो था वो बताना पड़ेगा आंसर देख लीजिए बच्चों को डोमिनेंस का ये फिनोमिना है कि जब जाहिर सी बात है जींस जो हैं वो एक साथ एक्सप्रेस हो रहे हो कोई भी डोमिनेंस इशू नहीं कर रहा है

ठीक है ये देखिए यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली दिखा दिया थ्री टू वन का दिखा दिया है लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ बतानी पड़ेगी जब गैमिट्स फर्स्ट जनरेशन जाएगी तो कैपिटल आर स्मॉल आर हो जाएंगे बाबू जब ये हो जाएंगे तो ये वाली जनरेशन जो एफ वन जनरेशन ऑल रेड हो जाएंगे यहाँ पे गॉट इट अब ये बता दीजिए आपका वन एस टू वन टू वन का रेशियो इसी तरीके से आपका रेड और वाइट कोटेड कैटल्स प्रोड्यूस पिंक कलर शहर सोन कम्प्लीट डोमानी बतानी है तो इस तरीके से आप बताएंगे कैप्टल आर कैप्टल होगा वो रेड होगा कैप्टल आर स्मॉल आर होगा वो आपका पिंक कलर का आएगा व्हाइट जो होगा स्मॉल आर स्मॉल आर आ जाएगा इस तरीके से आपको ये वाली भी क्रॉस बतानी है जीनोटाइप रेशियो भी देख के दिया गया है यही एक ऐसी क्रॉस है जिसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो हमारा सेम आता है कई बार क्वेश्चन भी आया है इस तरीके से है ना

ठीक है नहीं 0.5 0.5 नंबर के हैं एक्ट एज ए फिल्टर हर चीज बता ही देंगे टाइमर्स एक्सप्लेन ठीक है बोन मेरो सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन आपका इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट एंटीजन विच फॉर इफेक्टर बिकम्स द इफेक्टर सेल पूरी बात बतानी पड़ गई है ना तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन तरीका देख लीजिएगा ठीक है सारे क्वेश्चंस आपको डाउनलोड कर लेने हैं अगर डाउनलोड करने हैं ये सारे क्वेश्चन तो जाहिर सी बात हमारे डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा वहां पे मैंने इसका पूरा लिंक दिया गया है आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को पूरा इसी फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है 33 क्वेश्चंस अपने कंप्लीट होते हैं एक और वाला क्वेश्चन भी दिया देखे रहा देकर लिम्फ नोट से लेकर के पूरी बात बताई गई है है ना माल्ट तक उतर करके आना है आपको पूरा पैराग्राफ लिखना है बेसिकली वहां शुरू से पीछे से शुरू होना और इधर तक आ जाना है ठीक है एक और क्वेश्चन दिया कि फ्लो चार्ट के जरिए बताइए कि एनिमल सेल तो आपको रिट्रो वाला पूरा इस तरीके से बताना था और मैं ये भी ठीक था ठीक है, तो है लेकिन हाँ बढ़िया क्वेश्चन लगे मुझे अच्छे क्वेश्चन लगे और ऐसा ही क्वेश्चन पेपर का हम लोग वेट कर रहे हैं जो कि अक्टूबर में अपने आएगा अगर आया तो सबसे पहले मैं इस बार अपलोड कर दूंगा इसमें से थोड़ा सा लेट हो गया सॉरी फॉर दिस ठीक है आगे पढ़ते रहिएगा अच्छे से स्टडी करते रहेगा एनसीआर को याद भी करना है समझना भी है आपको ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट अपना ख्याल रखिए सुरक्षित रहिए अपने माँ बाप का ख्याल रखिए उनकी दुआएं लेते रहिए टीचर्स का अपनी दुआएं लेते रहिए आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा खुदा हाफिज गुड बाय टेक केयर